हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे खीरे की सब्जी। जिस खीरे को आप सलाद में खाते हैं उसकी आप एक बार सब्जी बना के देखें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आपके घर में कोई भी सब्जी ना हो, खीरा पड़ा हो, तो आप खीरे की सब्जी बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पे बना सकते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। और एक बार आप ज़रूर बना के देखें खीरे की सब्जी। ये हमने खीरा ले लिया है, एक ही हमने खीरे को बनाया था। एक खीरे से आपसे दो से तीन लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से खा सकते हैं सब्जी इसकी। और इस खीरे को हम पहले छील लेंगे। इस तरह से हमने खीरे को छील लिया है। छीलने के बाद इसे हम धो लेंगे। धोने के बाद इसे हमने दोनों साइड से कट कर लिया है। और कट करने के बाद खीरे को हम बीच से कट लगाएंगे और फिर उसके बीच से एक कट हम और लगाएंगे। इस तरह से पतले पतले में कर लेंगे और इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसमें छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और इसके भी हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। और ये हमारे सारे खीरे कट गए हैं। इसके लिए हमने बारीक प्याज ले लिया है, लहसुन ले लिया है, अदरक है और बारीक कटा हुआ टमाटर और लाल मिर्च ले लिया है। अब हमने कढ़ाई गैस पे रख दी है, उसमें हमने सरसों का तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, हमने आधे चम्मच के लगभग जीरा डाल दिया है, मेथी दाना डाल दिया है और इसमें हम हींग डाल देंगे। एक पिंच इसमें हमने हींग डाल दिया है और इसमें हम ये सब चटक जाएगा तो अदरक और लहसुन का हम इसमें पेस्ट डाल देंगे। इसे हमने कूट लिया था अदरक और लहसुन को। और इसमें हमने लाल मिर्च डाल दिया है और बारीक कटा हुआ प्याज। सारे को एक साथ ही हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसे हमें ब्राउन होने तक भूनना है और इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ी सी इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे कलर वाला, फिर थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर और इसमें हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमें अच्छे तरीके से भूनना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो मसाला है हमारे अच्छे तरीके से भून जाए। हमने मसाले को पानी डाल के और इसे हमें अच्छे तरीके से भून लेना है। देखिए मसाले में, और ये हमने बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है और इसे भी हम मसाले के साथ टमाटर को मिक्स कर लेंगे। और इसे हमने ढक दिया है। ढकने के बाद इसे हम फिर से खोलेंगे और देखेंगे टमाटर और मसाला एक साथ पक गया है। और इसमें हमने जो खीरे को काट के रखा हुआ था वो हमने खीरा भी ले लिया है और इसे हम मसाले के साथ पकाएंगे। जो खीरा है वो थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ता है। पानी छोड़ने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है ताकि जो खीरा है वो अच्छे तरीके से पक जाए। और ये देखिए मसाला इसमें लगा हुआ है चम्मच में, उसे हमने उसी में ही डाल दिया है। और इसे हम ढक देंगे। ढकने के बाद एक से दो मिनट के बाद इसे हम खोल के देखेंगे, चेक करेंगे। अभी हमारी जो खीरा है वो अच्छे तरीके से पका नहीं है। इसे हम अभी अच्छे तरीके से पकाएंगे। एक बार इसे हम फिर से ढक के रखेंगे ताकि जो खीरा है वो अच्छी तरीके से पक जाए। और देखिए दूसरी बार करने से खीरे की सब्जी तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी सब्जी। इसे हम प्लेट में निकालेंगे। आप इसे खा के देखिए और इसको टेस्ट करके बताइएगा कि सब्जी कैसी बनी थी, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और इसे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।